बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 2.7 को देखा है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। उम्मीद है आपने बाकी क्वेश्चंस खुद किए होंगे। स्टूडेंट, थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा तेज़ करवाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे, साथ साथ इसे ये आपको समझ भी आ रही होगी। आज का लेक्चर भी थोड़ा सा लेंथी भी है, और इसमें जो हम टाइप 3 से शुरू करते हैं, ये सिंपल जो हम ये वाली टाइप कर रहे हैं, तो इससे ये क्वेश्चन करवाने से आप 8 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद करेंगे, सिर्फ अगर आपने इसे सही समझ लिया। इसकी पहचान पहले आपने देखनी है, इसमें दोनों टर्म्स आपके पास जो होंगी राइट लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म होगी और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म होगी। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने इक्वेशंस देखी थी, वहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा था पहली इक्वेशन में भी और दूसरी में भी, उसे हम कैंसिल कर देते थे, लेकिन वहां पे एक्स की पावर 1 वाली टर्म भी होती थी और वाई की टर्म भी होती थी, वाई की पावर 1 वाली टर्म, वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाती थी। लेकिन यहाँ सिर्फ दो टर्म्स होंगी आपके पास और दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में होंगी। ये भी दूसरी इक्वेशन में भी दोनों टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में होंगे। स्टूडेंट, ये सॉल्व करना बड़ा आसान है। उसमें इसमें ये है कि आप किसी एक वेरिएबल के कोफिशेंट इक्वल कर लें, मसलन वाई का स्क्वायर कोफिशेंट यहाँ पे 2 है, मैं अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वाई स्क्वायर के कोफिशेंट इक्वल हो के, तो ये 2 वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को सिर्फ आप अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट इक्वल करने चाहें तो इक्वेशन 1 को 5 से कर दें तो वो भी ठीक है। मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर के कोफिशेंट इक्वल कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन 1। देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 को ऊपर लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, 2 वाई स्क्वायर 229 58। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखें प्लस का 2 वाई स्क्वायर माइनस का 2 वाई स्क्वायर से कैंसिल करने के लिए, क्योंकि सेम साइन थे, मैंने तमाम टर्म्स के नीचे के साइन चेंज कर दिए, तो 2 वाई स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 58, में से आप जब 22 को माइनस करोगे, 6 5 में से 2 और साथ ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का 58 बड़ा है, तो यहां से आप देखें माइनस माइनस से कैंसिल, 36 ओवर 9, तो एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 4 9 4 36, एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल सिर्फ एक्स है, वो बाकी एक्स की पावर 2 यहाँ उसकी पावर है, वेरिएबल आपका एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ आपके साथ प्लस माइनस 2 आ गया। अब आप एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, तो अब आपने वाई के निकाल लिए, तो कोई एक इक्वेशन ले इनमें से, उसमें आप एक्स की वैल्यू पुट कर दें। मैं इक्वेशन आपके पास ले रहा हूं इक्वेशन 1, तो यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22, यहां पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहां स्टूडेंट देखें हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की हुई है 4, ये वैल्यू भी लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस के साइन के साथ आपको कन्फ्यूजन होगी कि प्लस माइनस 2, वैसे प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर भी ले लें वो भी 4 ही आएगा, प्लस का स्क्वायर भी प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, तो आप इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 4 पुट कर दें, 4 प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22, 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22 माइनस 4, 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 ओवर 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बन गया। फिर आपने ये वाई की वैल्यू फाइंड की है, पहले आप एक्स की वैल्यू देखें, एक्स की वैल्यू आपके पास है प्लस माइनस 2,
तो आप इसे इस ब्रैकेट में प्लस माइनस टू और वाई की वैल्यू प्लस माइनस थ्री। तो स्टूडेंट ये इस तरह आपके पास ये टाइप बड़ी आसान है। इसका मैं मैथ्स क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट आपको दे रहा हूँ सिर्फ। तो मैंने ये चूंकि 20-25 मिनट के लेक्चर में ये ख़त्म करना है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आपको हिंट दूँ तो देखें यहाँ पे 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6, 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 14। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। आपने उसकी टाइप को, जो भी आपके पास इक्वेशन हो, पहले आपने उसकी पहचान करनी है। तो आपने जब इसकी पहचान की तो आप देखें यहाँ भी x² y² की टर्म्स है, यहाँ भी x² y² की टर्म्स है स्टूडेंट। अब क्या करना है, आपने देखें यहाँ माइनस 5y² आ रहा है, आप इस इक्वेशन को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको इसमें साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं आएगी, क्योंकि जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5y² बन जाएगा। तो प्लस का 5y² माइनस के 5y² से, और यहाँ से आप x² को फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फिर किसी एक क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये आप खुद करेंगे। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 पे लेके जा रहा हूँ, उसकी भी आपने पहले पहचान करनी है कि ये कौन सी क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आप आ जाएं, ये आपके पास समझें कि फोर्थ टाइप हम इसमें कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन है, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 है आपके पास x² प्लस 4xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप इसके साथ ही 11 क्वेश्चन को भी देखें, 11 क्वेश्चन में भी आपको ये क्या पहचान है कि इसकी पहली क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ x² y² की टर्म है, जबकि दूसरी क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इन टू वेरिएबल्स, और ये एक ऐसी क्वेश्चन है, देखें x की पावर 2 है तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की 1 है तो यहाँ y की पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी क्वेश्चन होगी कि ये इक्वल टू 0 होगी, तो आप इसके पेयर्स बना सकते हो, फैक्टराइज इसे कर सकते हो, आप इसके पेयर्स बनाएं। तो मैं इसके जो पेयर्स बना रहा हूँ, तो मेरे पास जो इसके पेयर बनेंगे मसलन माइनस 5y², जिस तरह आप पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करके तो पेयर बनाते हैं, मैं इसके पेयर्स बनाता हूँ x² प्लस 5xy माइनस 1xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, यानी ये आप 11वें क्वेश्चन में भी अगर आप देख रहे हैं, ये मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ, तो आप 11वें में भी देखेंगे तो उसकी दूसरी क्वेश्चन के इसी तरह आपने पेयर्स बना लेने हैं, फैक्टराइज कर लेना है। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे x प्लस 5y, यहाँ से आप y कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये बन गया आपके पास x प्लस 5y और x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप पहले फैक्टर को 0 के इक्वल लें, x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू माइनस 5y, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू y। स्टूडेंट ये मैंने इक्वेशन 2 जो थी उसको इस तरह सॉल्व किया कि इसके पेयर्स बना लिए, मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके, या समझें कि ब्रेकिंग द मिडल टर्म मैंने इसको कर लिया सॉल्व, तो ये पेयर इस तरह बन के यहाँ से मैंने इस तरह वैल्यू निकाल ली। तो ये 2 इक्वेशन अब 11 क्वेश्चन को भी देखें, वहाँ भी इसी तरह इसके पेयर बनेंगे और ये इस तरह इक्वल आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये जो x की वैल्यू मैंने y के इक्वल लिया है, x इक्वल टू y, x इक्वल टू माइनस y, ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आपके पास क्या है, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू आपके पास है माइनस 5y² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, तो 25y² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, तो 27y² इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये ज़रा अब आपने ना यहाँ ध्यान रखना है कि ये कॉलम जो है थोड़े से डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 27y² है, तो y² इज इक्वल टू 3 ओवर 27,
तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/9। तो स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए आप यहाँ स्क्वेयर रूट लेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास फिर आ गई प्लस माइनस 1/3। स्टूडेंट देखें, एक्स की वैल्यू माइनस 5y इस इक्वेशन में पुट करने से आपके पास वाई की दो वैल्यू फिर आ रही हैं। यहाँ इन्हें दोनों को लैदा लैदा कर लें, ये इस तरह फिर कॉलम बन गया। यहाँ y की वैल्यू आ गई क्योंकि आपने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। x आपके पास देखें माइनस 5y के इक्वल है, तो आप यहाँ भी x इज इक्वल टू माइनस 5y और यहाँ भी x इज इक्वल टू माइनस 5y। x इज इक्वल टू माइनस 5y की वैल्यू 1/3 आपने पुट की तो आपके पास आ गई माइनस 5/3। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास जो पेयर बन रहा है x का, इसका वैल्यू का x की वैल्यू माइनस 5/3 है तो y की वैल्यू 1/3 है, ये पेयर बन गया। यहां भी आप पुट करें x इज इक्वल टू माइनस 5y की वैल्यू माइनस 1/3 तो x की वैल्यू आपके पास आ गई पॉजिटिव 5/3। तो यहां अब आपका क्या पेयर बन रहा है, x की वैल्यू अगर 5/3 है तो y की वैल्यू आपके पास माइनस 1/3 है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखें, मैंने अभी ये चीज सॉल्व की है, अभी ये मेरे पास रहती है, इसको भी मैं सॉल्व करूंगा फ्रॉम क्वेश्चन वन में, क्योंकि ये अगर आप इसको आए देखें कि यहां से आपने इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके यहां पे इसे लैदा किया था, यहां पे इस फैक्टर को लैदा किया था, आपने इसको तो सॉल्व कर लिया है। अभी x माइनस y इज इक्वल टू जीरो वाला फैक्टर आपके पास रहता है, यहां भी इक्वेशन वन लेके आए एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू y पुट कर दो, y का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे y स्क्वायर फिर किसके इक्वल आ रहा है, ये कॉलम अलहदा से बना हुआ है 3/3, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y आपके पास प्लस माइनस 1 आ गया। यहाँ फिर आप इसको लैदा लैदा करें, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे भी आपने देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x आपके पास इक्वल है y के तो x इज इक्वल टू y और यहाँ भी x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो अब यहाँ पे आपका जो पेयर बन जाएगा, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू माइनस 1 पुट किया तो पेयर यहाँ पे माइनस 1 तो y की वैल्यू भी माइनस 1। तो स्टूडेंट इस तरह आपके पास 1, 2, 3, 4 पेयर में आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखें आप, माइनस 5/3 व 1/3 पहला पेयर है, दूसरा पेयर है 5/3 व माइनस 1/3 और तीसरा पेयर आपके पास 1/1। इसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है बुक के आंसर्स वाले पेज में ये पहले लिखे हों, मैंने ये पहले लिख दिया है, तो बस आपके पास पेयर्स चार ही होने चाहिए, तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये एक्स और वाई की वैल्यू की तरतीब ना आगे पीछे कर देना। तो ये इस तरह आपको उम्मीद है ये समझ आई होगी। यहाँ पर ये जो कॉलम चल रहा है, इस कॉलम को आप समझ लें, ये कॉलम और ये कॉलम, ये तो चूंकि बोर्ड पे मैंने इधर से इधर आना था तो आपने जब ये वैल्यू यहाँ फाइंड की, यहाँ पे इसका दूसरा कॉलम बन गया, यहाँ पे भी इसका दो कॉलम बन गए। तो ये इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करना है। जब आप खुद करेंगे तो उम्मीद है ये, अगर ये कॉलम्स की कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आपने बहरहाल यहाँ से जो, यहाँ से आपने याद रखना है कि ये जो आप फैक्टर्स बनाएंगे इनको जीरो के इक्वल जब लेंगे, यहां भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है और यहां भी फर्स्ट क्वेश्चन में, जब आप ये करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा यहां y की वैल्यू फिर 2 आ रही है तो x की वैल्यू भी 2 आएंगी, यहां y की वैल्यू फिर 2 आ रही है तो x की वैल्यू भी 2 आएंगी। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 10 के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की भी ट्राई करें। अब हम इसकी लास्ट टाइप पे आते हैं। लास्ट टाइप थोड़ी डिफरेंट किस्म की टाइप है कि उसमें जिस तरह आपने ये चारों टाइप्स की पहचान पढ़ी है, इसकी एक डिफरेंट टाइप है। ये इसकी पहचान आपको ऐसे मैं क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको पता चलेगा, ये टाइप 5 समझ लें आप। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका 13 आप खुद करोगे। 12 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5।
और दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन स्टूडेंट्स दी हुई हैं। तो स्टूडेंट इन इक्वेशंस की ये टाइप की पहचान होगी, एक इक्वेशन में आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, एक इक्वेशन में वाई स्क्वायर आ रहा होगा, एक इक्वेशन में आपके पास एक्स वाई होगा, हो सकता है दूसरी में भी एक्स वाई होगा। तो यानी एक में एक्स स्क्वायर है, एक में वाई स्क्वायर है। इसको करने का तरीका ये होगा कि आप इसके जो कॉन्स्टेंट टर्म है इन्हें आपस में इक्वल करके राइट हैंड साइड को ज़ीरो करें। कैसे कि ज़ीरो करेंगे, मैं क्या करूँगा, इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय थ्री एंड इक्वेशन टू बाय फाइव। तो मैं पहली को थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी, देखें थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई थ्री फाइव ज़ार 15, और दूसरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फाइव वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई इज इक्वल टू 5 3 15। अब मैंने इसे ज़ीरो करना है तो मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा, क्योंकि प्लस 15 माइनस 15, ये साइन भी ये साइन भी। तो स्टूडेंट देखें आपके पास राइट हैंड साइड में ज़ीरो आ गया। अब ये जो इक्वेशन अब आपके पास आएगी, जो क्वेश्चन नंबर 10 की और क्वेश्चन नंबर 11 की दूसरी इक्वेशन थी, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बनेंगे, तो ये वो चीज़ बन जाएगी। कैसे भला, कि देखें यहाँ पे आपके पास 3x² है, अगर आप इसका ऑर्डर चेक करें, यहाँ पे अगर x की पावर 2 है तो इधर यहाँ ये टर्म आ रही है जहाँ x की पावर 1 है, तो ये सिमिलर टर्म्स आ रही हैं। ये एक्स वाई का कोफिशेंट 3 है, एक्स वाई का कोफिशेंट माइनस 5 है, मैं पहले इसे लिख देता हूँ, तो माइनस 2xy और माइनस 5y². उम्मीद है ये आपको टाइप समझ आई होगी। ये देखें अब ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की सेकंड इक्वेशन की टाइप बन गया, इसके पेयर बन जाएंगे। स्टूडेंट उम्मीद है समझ आई होगी, कैसे किया मैंने 3x² के बाद मैंने 5y² नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे x की पावर 2 थी तो ऑर्डर में मैंने x की पावर 2 के बाद x की पावर 1 आता है, मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, तो माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 और माइनस 5y² को बाद में लिखा मैंने। तो अब मैं इसके पेयर बनाता हूँ, 3 5 15, तो आपके पास बन जाएंगे 5xy प्लस 3xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप कॉमन ले लें x, 3x माइनस 5y, y कॉमन लें 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको सेपरेट करें, देखें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकालें, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपके पास सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, माइनस 5y को मैं इधर लेके आता हूँ तो प्लस 5y और यहाँ पे प्लस y को इधर लाता हूँ माइनस y, तो यहाँ पे मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 5/3y। अब देखें ना भी हमारे पास x की वैल्यू सही तरह फाइंड हुई है, क्योंकि इसमें भी x की इक्वल में y वेरिएबल आ रहा है ना, y की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें मैसेज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे x² प्लस xy इज इक्वल टू 5 फ्रॉम 1, कोई एक इक्वेशन आप लेंगे x² प्लस xy इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 5/3y और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे x की वैल्यू फिर पुट करें 5/3y इंटू वाई, एक y चूंकि यहाँ मौजूद है पहले से, तो ये बन जाता है 25/9y² और ये बन जाता है 5/3y² इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट डिनोमिनेटर ख़त्म करें, डिनोमिनेटर में आपके पास 9 आ रहा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो 9 से इधर भी, 9 से इधर भी, 9 से इधर भी मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 25y² प्लस 3 3 9 3 5 15y² इज इक्वल टू 45। 25 प्लस 15 40y² इज इक्वल टू 45 और y² इज इक्वल टू 45/40। तो
फाइव एट जार फाइव नाइन जार, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन ओवर एट। मैं यहाँ से अब ये मिटा रहा हूँ क्योंकि अब जगह पूरी नहीं हुई है। आप इसका स्क्रीन शॉट एक दफ़ा ले लें। ये क्वेश्चन नंबर टू को मैं इधर लिख रहा हूँ, ट्वेल्व को सॉरी। तो अब आपके पास देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन ओवर एट है, तो आप स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें। वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री ओवर टू अंडर रूट टू। देखें ये कैसे, नाइन का स्क्वायर रूट थ्री और एट का स्क्वायर रूट टू अंडर रूट टू। स्टूडेंट ये वाई की वैल्यू आई है, इसको सेपरेट कर लें, थ्री ओवर टू अंडर रूट टू और वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू अंडर रूट टू। ये अभी हम ये सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने इसे सॉल्व करना है। तो अब देखें आपके पास यहां पे x की वैल्यू किसके इक्वल थी, 5 बाई थ्री वाई। आप इधर भी लें x इज इक्वल टू 5 बाई थ्री वाई, तो x इज इक्वल टू 5 बाई थ्री और y की वैल्यू आपके पास है 3 ओवर टू अंडर रूट टू। ये 3 3 से कैंसिल, तो x आपके पास आ गया 5 ओवर टू अंडर रूट टू। तो स्टूडेंट आपके पास जो अब इसका सलूशन बना वो क्या बना, 5 ओवर 2 अंडर रूट 2 और 3 ओवर 2 अंडर रूट 2। पहले मैंने x की वैल्यू लिखी फिर ये y की। इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू है 5 बाई थ्री वाई, तो x इज इक्वल टू 5 बाई थ्री और y की वैल्यू माइनस थ्री ओवर 2 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट यहाँ 3 कैंसल, तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव ओवर 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे आपका जो सलूशन बना x की वैल्यू माइनस फाइव ओवर टू अंडर रूट टू और दूसरी y की वैल्यू माइनस थ्री ओवर टू अंडर रूट टू। ये आपके पास अभी इसको मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट, अभी ये चीज रहती है। यहां भी आप आए फ्रॉम क्वेश्चन वन, फ्रॉम क्वेश्चन वन, इक्वेशन वन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव। यहां पर आप x की वैल्यू देखें माइनस y पुट कर रहे हैं और यहाँ भी x की वैल्यू माइनस वाई इंटू वाई पुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये पॉइंट मेरे ख्याल में आपका क्लियर हो गया क्योंकि x की वैल्यू माइनस वाई है, जहाँ जहाँ x आया मैंने माइनस वाई पुट किया। यहाँ माइनस वाई का स्केयर आपके पास पॉजिटिव वाई स्केयर, माइनस प्लस माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट देखो यहाँ पे प्लस का वाई स्केयर माइनस के वाई स्केयर से, यानी हमारा वेरिएबल खत्म हो रहा है, यहाँ पे वाई वाई से कैंसिल होकर वेरिएबल ही खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो सोल्यूशन, यानी इस इक्वेशन का आगे कोई सलूशन नहीं होगा। बस इसी को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये फैक्टर आ गए हैं, तो इसी को आप सलूशन सेट में लिख दें क्योंकि उसमें से कोई सलूशन नहीं आया। तो बाकी आपके पास ये इक्वेशन जो सलूशन आपने फाइंड किया था, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर माइनस फाइव ओवर टू अंडर रूट टू और ये आप इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें। स्टूडेंट इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, 13 में भी आप यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में 7 है और दूसरी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में 2 है। तो पहली क्वेश्चन को 2 से दूसरी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा और बाकी आपके पास इस तरह की, ये यहाँ से मैंने मिटा दिया है। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपके पास बांध जाएगी, उसके पेयर बना के ये इस तरह दो पेयर आएंगे उसे इक्वल करेंगे आप। तो उम्मीद है कि आप ये इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक हमारा 2.7 तक हमने आपको असेसमेंट दी हुई थी, तो ये असेसमेंट जुलाई के मंथ की थी, तो यहाँ तक आपका सिलेबस अब जुलाई के एंड तक का वो मुकम्मल हो गया है। तो अब आप अपनी चारों असेसमेंट्स को सॉल्व करें और इसे जो ड्यू डेट स्कूल की है वहाँ पे आप इन्हें सबमिट करवाएं। ये आपको एक्स्ट्रा टू लेक्चर 2.7 के लिए जो है वो उसी बाकी सब्जेक्ट से हट के करने पड़े हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझी होगी। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट वीडियोस के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है।